चार चरण का मतदान पूरा हो चुका है, अब सिर्फ तीन चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन चौथे चरण के मतदान के बीच माधवी लता का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। ...2024 लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोट डाले गए। वैसे तो इस चरण में कई दिग्गजों का मुकाबला रहा, लेकिन हैदराबाद की सीट आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यहां के मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी वो पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं उनका मुकाबला इस बार बीजेपी की माधवी लता से हो रहा है, जिनके एक वीडियो ने सियासत को बढ़ा दिया है। माधवी लता आज वोटिंग के दौरान एक बूथ पर बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान चेक करती दिखी। माधवी महिलाओं से बुर्का उठाकर वोटर आईडी कार्ड और दूसरे पहचान पत्र से मिलान कर रही थी, लेकिन माधवी के इसी वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया। AIMIM नेता वारिस पठान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की, तो TMC नेता साकेत गोखले ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। मामला बढ़ते ही माधवी लता के खिलाफ चुनाव के दौरान बाधा पहुंचाने के मामले में कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया। वहीं माधवी लता ने आरोप लगाया है कि बूथ के 100 मीटर के भीतर AIMIM के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में माधवी लता ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। पुलिस ने केस बुक किया है आपके अगेंस्ट में, क्या कहेंगे आप? अभी आप ही देख रहा है, 100 मीटर भी नहीं था, 50 मीटर के अंदर उतना भी नहीं था, मतलब AIMIM पार्टी का नारे लगा रहे थे। क्या कर रहे थे पुलिस? आपने स्वयं देखा ये बात, हर मीडिया ने देखा ये बात, ये 50 मीटर भी नहीं था, लेकिन वो लोग नारे लगा रहे थे। उसको बोलने की तक नहीं है पुलिस को। आपको लग रहा है कि फेयर नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर, ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, एकदम बढ़िया से कॉम्प्रोमाइज है ये लोग। तो क्या करेंगे, जब मैं हिम्मत कर सच्चाई के लिए आगे बढ़ी हूँ तो सबसे बड़े लोग क्या कर सकते हैं, इनकी पूरी पुलिस गिरी मेरे ऊपर FIR दर्ज करने में है। सच्ची और सही या जस्टफुल, यानी कि आप न्यायबद्ध वोटिंग करवाने का तो नहीं होती इनको, क्या कर सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के आरोप सही हैं, और अगर हैं भी तो क्या किसी उम्मीदवार के पास ये अधिकार है कि वो मतदान केंद्र पर किसी मतदाता के पहचान पत्र की जांच कर सके? दरअसल बुर्के में फर्जी वोटिंग का आरोप बीजेपी की तरफ से पहली बार लगा हो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी चुनावों के दौरान बीजेपी ऐसे आरोप लगाती रही है और कुछ मामले में कार्रवाई भी हुई है। 2 साल पहले UP विधानसभा चुनावों के दौरान रामपुर में एक पोलिंग बूथ पर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था और उनको गिरफ्तार भी किया था। तो मतलब साफ है कि ऐसा होता रहा है और ऐसा होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। माधवी लता की माने तो विरोधी दल के लोग बूथ पर चक्कर लगा रहे थे और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, ऐसे में वो खुद चेकिंग करने लगी। मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विद द फेस विदाउट द फेस मास्क। आई एम नॉट अ मेल, आई एम अ फीमेल, एंड विद लॉट ऑफ हम्बलनेस आई ओनली रिक्वेस्टेड देम, कैन आई प्लीज सी एंड वेरीफाई विद द आईडी कार्ड एंड इफ समबडी वांट्स टू मेक अ बिग इश्यू आउट ऑफ इट। अब बात दूसरे सवाल की कि क्या उम्मीदवार किसी मतदाता के पहचान पत्र की जांच कर सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच का अधिकार सिर्फ मतदान केंद्र के अंदर तैनात कर्मचारियों को ही है। यही नहीं, किसी भी गड़बड़ी की आशंका में पार्टी पोलिंग एजेंट की तैनाती तो कर सकती है, लेकिन उनको भी खुद चेकिंग करने की बजाय कर्मचारियों से शिकायत करने का ही अधिकार है। यहाँ तक कि केंद्र के बाहर तैनात
पुलिस कर्मियों को भी पहचान पत्र की जांच का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी मतदाता पर यदि शक होता भी है तो वो केंद्र में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को इसकी जानकारी भर दे सकते हैं, जिसके बाद उनकी जांच की जा सकती है। चुनावों में फर्जी वोटिंग की बढ़ती शिकायतों के बाद आयोग ने इसको लेकर कड़े नियम और कानून भी बनाए हैं, जिसके बाद बुर्का या घूंघट में मतदान करने पहुंची महिलाओं की पहचान के लिए महिला कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश है, जो बुर्का या घूंघट उठाकर महिला मतदाता की पहचान करने में पीठासीन अधिकारियों को मदद करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटिंग मामले में आईपीसी की धारा 171 घ के तहत 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।